कर्नाटक के हीरा विवाद ने यूपी की चुनावी सियासत में भी एंट्री कर ली है। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी और बीजेपी इस मामले पर आमने सामने है। बीजेपी की सरकार कर्नाटक में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडम करता हूं। जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। ये भारत है सर्वधर्म संभाव की के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। ये हमारे देश के संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। आप हमारी बहन है, आप हमारी बहन है तो हम कोशिश करते हैं कि बहन के पैर को देख लें। हम चेहरे को भी देखना बहुत जल्दी से अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के संस्कार यही बताते हैं कि सर झुकाकर हम अपनी माताओं बहनों से बात करते हैं। तो ये संस्कार अगर सबके अंदर आ जाएं तो हिजाब की तकलीफ नहीं रह जाएगी। ये जो हिजाब पर चर्चा करते हैं लोग, वो बेहिजाब लोग हैं जो चर्चा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम सबके साथ सुरक्षा और उसकी बात करते हैं।